أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र में जिस चीज़ के इल्मुल यकीन होने में कोई शक नहीं वो दीन इस्लाम के असूल हैं, यानी दीन इस्लाम के जो असूल हैं उनके इल्मुल यकीन होने में कोई शक नहीं, जो सारे के सारे अल्लाह ताला की तरफ से हैं, खुदावंद की तरफ़ से हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अकीदा है कि अल्लाह एक और दुनिया का खालिक और मुहाफिज़ है और दुनिया को अपने बनाए हुए कवानीन के मुताबिक चला रहा है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह के वजूद का इनकार करते हैं नादान हैं, और ऐसे नादान हैं कि गोया जाहिल मुतलक हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वो गूंगे और बहरे हैं, ना तो कोई चीज़ देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, चूँकि देखने और सुनने की सलाहियत से महरूम है। लिहाजा ना ख़ुद अपनी अकल को खालिक के वजूद की मार्फत हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ना दूसरों की रहनुमाई से अल्लाह ताला की मार्फत से बहरामंद हो सकते हैं। उनकी ज़िंदगी खाने सोने और दूसरी हैवानी ख्वाहिशात तक महदूद होती है। उनकी ज़िंदगी का अपनी हैवानी ख्वाहिशात को तस्कीन पहुंचाने के अलावा कोई मकसद नहीं होता, और इसी तरह उनके दिन रात गुज़रते रहते हैं। उनकी ज़िंदगी में हरगिज़ ये सोच पैदा नहीं होती कि वो किसी चीज़ को समझें, और यही लोग जिसके बारे में खुदावंद ताला ने फरमाया है कि वो हैवान या उनसे भी बदतर हैं। वो अल्लाह की जानदार और अपने समेत बेजान मखलूक का मुशाहिदा नहीं करते ताकि उन्हें पता चले कि अल्लाह ताला ने फिर मखलूक को ऐसी खसूसियात से नवाजा है जो सिर्फ़ उससे मरबूत हैं, और ये खसूसियात इसलिए पैदा की गई हैं कि वो मखलूक बाकी रहे, और अगर दरख्त जानदार है तो वो अफजाइशी नस्ल के ज़रिए अपनी नस्ल को ख़त्म होने से बचाता है। अल्लाह ताला ने अपने इल्म और ताकत के ज़रिए ऐसे जानवर पैदा किए हैं जो गर्मियों की गर्म तरीन हरारत को गर्म इलाकों और सहराओं में बर्दाश्त कर लेते हैं और उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती। सर्द इलाकों में रहने वाले ऐसे जानवर भी पैदा फरमाए हैं जो अल्लाह ताला के इल्म और कुदरत से सर्दियों के तमाम अरसे के दौरान सोए रहते हैं, भूखे प्यासे भी नहीं होते, और इस तरह तवील ख्वाबीदगी के अरसे में वो कमज़ोर भी नहीं होते। मौसम सरमा में सर्द इलाकों के वो जानवर जो 6 या 7 माह सोते रहते हैं उनमें से बाज़ का दिल गर्मियों के मौसम में धड़कता है, लेकिन यही जानवर जब सर्दियों में 6-7 महीनों के लिए सो जाते हैं तो उनका दिल 60-70 मरतबा फ़ी घंटा से ज़्यादा नहीं धड़कता। यही जानवर मौसम गर्मा में जब जाग रहे होते हैं तो
तो 2400 या 2500 मरतबा फ़ी घंटा के हिसाब से सांस लेते हैं, लेकिन जब सर्दियों के मौसम में सोते हैं तो उनका सीना 25 मरतबा फ़ी घंटा से ज़्यादा नहीं चलता। ये सारी कुदरत इलाहिया है और अल्लाह ताला की निशानियां हैं इन सारी चीज़ों में, और अल्लाह का वजूद इससे साबित होता है। अगर कोई उन जानवरों की ख्वाबीदगी के मौका पर उनके करीब जाए और उनके जिस्म पर हाथ रखे तो शदीद सर्दी का एहसास करता है, उनकी सर्दी बर्फ़ की मानिंद मालूम होती है। बहरकैफ वो जानवर ज़िंदा होते हैं और कई कई महीने ज़िंदा रहते हैं, यहाँ तक कि सर्दियाँ ख़त्म होकर बहार शुरू हो जाती है। लेकिन अगर इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत आम दर्जा हरारत का आधा हो जाए तो आदमी मर जाएगा। अब ये अल्लाह ताला ने इंसान में ये खसूसियात रखी हैं, ये खुदावंद ताला ही है जिसने सर्द इलाकों में पाए जाने वाले जानवरों को 6 या 7 माह सोने की सलाहियत बख्शी है और उनके जिस्म की सर्दी बर्फ़ की मानिद हो जाती है और फिर भी वो ज़िंदा रहते हैं। लेकिन एक बेवकूफ़ जाहिल मुतलक और नाबीना बहरा है कि खुदावंद ताला की इस कुदरत का मुशाहिदा नहीं करता, यानी जिसे ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की कुदरत नज़र नहीं आती, तो वो ज़ाहिर है वो बेवकूफ़ भी है, जाहिल भी है और नाबीना व बहरा भी है। और चूंकि वो सुनने की ताकत नहीं रखता, लिहाजा वो दूसरों से खुदा की उन निशानी और कुदरत के बारे में नहीं सुन सकता। सर्द इलाकों के उन जानवरों के मुकाबले में खुदावंद ताला ने ऊँट जैसा गर्म इलाकों का जानवर पैदा किया है जो बयाबानों में ज़िंदगी गुजारता है और उसकी ग़िज़ा सख्त और खुश्क कांटे होते हैं। घास खाने वाला जानवर अगर खुश्क घास खाए और उसे पीने के लिए पानी भी ना हो मुयसर तो वो हलाक हो जाएगा। ऊँट एक ऐसा जानवर है जो बयाबान से खुश्क कांटे खाता है लेकिन उसे प्यास नहीं लगती, यहाँ तक कि वो अपने सवार को वहाँ तक पहुँचा देता है जहाँ पानी होता है। एक बेशऊर शख्स नहीं जानता कि अल्लाह ताला ने अपने इल्म और कुदरत से ऊँट की ऐसी सलाहियत बख्श ऊँट को ऐसी सलाहियत बख्शी है कि वो गर्म बयाबानों में भी थकावट और प्यास का एहसास नहीं करता। और ऊँट पर सवार शख्स बयाबान में रास्ता गुम कर दे और वो भी कड़कती धूप और प्यास का आलम हो, तो इस सूरत में अगर ऊँट पर सवार शख्स मुहार ढीली छोड़ दे और ऊँट को दाएं या बाएं न मोड़े तो ऊँट उसे सीधा पानी तक पहुंचा देगा, क्योंकि ऊँट पानी की कमी को दूर दराज से महसूस कर लेता है और समझ जाता है कि पानी का चश्मा कहाँ है। तो ऊँट में अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां रखी हैं, और न सिर्फ ऊँट में, इसी तरह तमाम जो जानदार अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए, पूरी कायनात जो पैदा फरमाई, अगर गौर किया जाए तो हर चीज़ में अल्लाह ताला की निशानियां, कुदरत की निशानियां मौजूद हैं। सिर्फ देखने वाली आँख चाहिए और बसीरत वाला दिल चाहिए, सुनने वाले कान चाहिए, समझने वाली अकल चाहिए, गौर व फ़िक्र करने वाला मिजाज चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की बताई हुई तमाम तालीमात के मुताबिक अपना अकीदा रखें और अपनी फ़हम और अपनी अकल को उनके मुताबिक ढालें। और क्योंकि दर हकीकत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की जो सोच और फ़िक्र और जो अकीदा है वो तमाम 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम का अकीदा है, तो हमें 14 मासूमीन के अकायद अल्लाह ताला अता फरमाए और उन पर अमल पैरा होने वाला करार दे। आमीन बिजाहिन नबील करीम व 14 मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।